हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेडिंग डाल लो आप, गुणनखंड और समीकरण वाले सवाल पढ़ेंगे आज हम। फैक्टर, फैक्टर देखिए, गुणनखंड होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए आपने ए प्लस बी का स्क्वायर किया, तो दो संख्याओं का स्क्वायर है, तो बताओ क्या रखते हैं इसको हम, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ऐसे ले सकते हैं हम, स्क्वायर मतलब दो बार गुणा करना है। अगर इसका गुणा करें तो ए का ऐसे किया तो ए स्क्वायर आ गया, ए का बी से किया तो ए बी आ गया, बी से ए भी आ गया, और फिर क्या गया, बी स्क्वायर आ गया। तो हम इसको सीधा रट लेते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में यहाँ माइनस होता तो ए माइनस बी का स्क्वायर कहते हैं हम। तो बताओ डायरेक्ट क्या ले सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए जो डेसिमल में पढ़ते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हमारे पास में इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, लेफ्ट में लेफ्ट को, राइट में राइट को, मतलब ये हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये हमारा ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर क्या होगा बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे देखो, ये प्लस का है माइनस का, तो खत्म हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर दो हो जाएंगे, बी स्क्वायर दो हो जाएंगे। तो मैं इसको टू इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या कह सकता हूँ, बी स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आया हमारे लिए तो ये इसका उत्तर है सीधा। अब इसमें टू को बटे में ला सकते हैं हम, तो बराबर में क्या रह जाएगा केवल, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन टू बराबर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी रहेगा। तो यहाँ तक आप इसको एक नया फॉर्मूला और मिल गया हमारे पास में, इसके दो रूप हो गए। अगर दोनों को माइनस कर दिया हमने, इसमें से इसको घटा दें हम, अब ध्यान से देखो, इसमें से इसको घटा रहे हैं हम, तो ये सब चिन्ह बदलेंगे फिर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस होगा तो कट जाएगा ये भी कट जाएगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा तो चार ए बन जाएगा, ये फोर ए बी। तो ये सवाल है तो ये इसका उत्तर है सीधा। ठीक है ना, अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम, या बटे क्या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये चार हो जाएगा। चार को ला सकते हैं बराबर ए बी रह जाएगा, पर चार ए बी पूरे ही ला सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप। बटे चार लाएंगे तो ए भी रह जाएगा,
आपने कोई साहब मैं तो 4 भी पूरे लेके आऊंगा, अगर 4 भी पूरा ही लिया यहाँ पर तो एक रह जाएगा यहाँ पर। तो कई रूप हो गए इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है तो एक बार इसको जोड़ देते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं। ए फोर माइनस बी फोर आ गया तो ये हो जाएगा, इसके और टुकड़े कर सकते हैं आप माइनस। सही है ना? अगर ये a8 माइनस b8 आ गया तो जैसे 4 में 2 2 हो गए तो यहाँ 4 4 हो जाएंगे। इसके फिर हो सकते हैं, भाई माइनस वाले के टुकड़े होते हैं, प्लस वाले के नहीं होते हैं। अब ये 4 के क्या कर सकते हैं बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर इसके हो सकते हैं। माइनस तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। सही है ना? अब ऐसी आप a16 का निकालो, a16 अगर आ जाता है और b16 आ गया तो बताओ a8 प्लस b8 और a8 माइनस b8 ये करना पड़ेगा। और फिर 8 का तुम निकाल चुके हो, ये साथ में पूरा आ जाएगा। ए माइनस बी ये तो आपको आने ही चाहिए फॉर्मूले। अब जैसे मान लो अभी आपने ए प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा, तो इसको आपने लिखा साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा ना। मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे
इसको जब खोलेंगे तो इसमें माइनस टू ए भी आएगा, इसमें प्लस का चार बैठा है तो ये तो बचेगा, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, केवल रूप बदल गया बस। क्यों, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस टू ए भी प्लस फोर ए भी, तो टू ए बचा। और अगर आप ए प्लस बी निकालना चाहते हैं तो इसका रूट लेना पड़ेगा, फोर ए बी, ऐसे भी कर सकते हैं इसको आप। दो संख्याओं का अंतर पता है, गुणनफल पता है, तो योग निकाल सकते हैं आप। इसी प्रकार से ये जानते हो आप, तो ये लिख सकते हो, ये कर सकते हो इसको। सही है ना, रूपांतरण है बस। ये प्रॉब्लम और नंबर जब पढ़ते थे हम, वहां भी करते थे इसको। अब इसमें क्वेश्चन हमको कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ। ये नॉलेज होना चाहिए आपको इन फॉर्मूलों का। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छः का एक गुणनखंड बताओ। या दोनों बताओ। अब इसमें ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास, एक्स माइनस दो, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस एक, एक्स प्लस तीन, ऐसे आएंगे। ठीक है ना, अब इसको खंड करना पड़ेगा हमें। हमें देखो खंड कैसे करते हैं हम, कि यहाँ पर आपको छः दिख रहा है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो अगर संख्या होती तो हम क्या करते, इन दोनों गुणा करते पहले हम, फिर गुणा करके इसके खंड करते ऐसे हम, कि गुणा करने पे तो वही आना चाहिए और जोड़ने घटाने पाँच आना चाहिए। तो देखो छः ही यहाँ पर है, यहाँ एक है, तो छः कम छः हो गया, छः एकम कितना हो गया छः। अब छः के खंड ऐसे करने हैं आपको कि गुणा करने पे छः आना चाहिए, जुने माइनस पाँच आना चाहिए, तो माइनस दो माइनस तीन कर सकते हैं ना, माइनस दो और माइनस तीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन एक्स प्लस छः करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं मैथमेटिकली। पाँच को मैंने ऐसे लिख दिया है बस भाई, पाँच को तोड़ा है मैंने दो पार्टों में, तोड़ा किसके माध्यम से, छः के माध्यम से, तभी तो पांच बैठेंगे माइनस के भाई। ये ज्यों की त्यों हैं, देखो ये ज्यों की त्यों हैं, ये ज्यों की त्यों हैं, आपने इसको दो बार लिख दिया है बस, तो माइनस के दो और माइनस तीन माइनस पांच हो गए ना, गुणा थोड़ी कर रहे हैं जो प्लस हो जाएगा। समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं, तो यहां पर माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच हो गए ना। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस दो बचेगा। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस तीन, माइनस चिन्ह यहाँ पर। अब यहाँ माइनस आ गया तो इसका चिन्ह बदलेगा ये,
एक्स माइनस दो आ गया। देखो आप, अब दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं ना, तो ये पहचान है आपने सही काम किया है, पहचान है। अब आप एक कोष्टक में तो एक्स माइनस दो लिखोगे और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस तीन लिखोगे, तो ये दोनों खंड हैं इसके, आंसर में क्या है ये है ना। दोनों खंड पूछ सकता है आपसे, अब यदि हल नहीं करना है तुम्हें तो भी इलाज है इसका, वो चीज सीखते हैं अब। नहीं ये भी आना चाहिए भाई, सेवंथ क्लास की चीज़ है, एट क्लास की चीज़ है, ठीक है ना, तो बेस तो आना ही चाहिए। बेस आएगा तो शॉर्टकट याद रहेगा हमको, बेस नहीं आएगा शॉर्टकट को भूल जाएंगे आप। सही है। अब यदि आपको इसे डायरेक्ट करना हो, उतार लिया ना आपने, उत्तर तो आ गया, ऑप्शन डाल देना साइड में आप, सवाल कैसे आ रहा है वो चीज़ है मैं राइट। ये आपके लिए ऑप्शन में मिलेंगे यहाँ पर, तो आपका काम ये है कि यहाँ से तुम एक्स का मान निकाल लो और सवाल में रख दो। अब यहाँ से एक्स मान निकाल के बराबर इसमें रखेंगे तो जीरो बैठना चाहिए, वो क्या बैठना चाहिए, जीरो। अब जैसे इसको तुम लेके चलोगे तो इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे भाई, एक्स माइनस दो बराबर जीरो करके, एक्स बराबर कितना गया, दो आ गया। अब इसमें दो रख के देखो सवाल में, इसको मिटा दूँ ना। अब मैं इसमें एक्स माइनस दो बराबर अगर जीरो करता हूँ, यदि एक्स माइनस दो अगर खंड है तो इसका मान किसके जीरो बराबर, तो एक्स बराबर कितना गया, दो आ गया। अब इसमें देखो दो का स्क्वायर पाँच इंटू दो प्लस में छः आ गया ना, चार माइनस दस प्लस में छः, तो जीरो आ गया ना। ये यानी एक्स का मान इसमें दो था और वाई के मान इसमें तो तीन था, इसमें तीन रख के देखो तो भी जीरो आएगा ये। लेकिन इसको यूज करेंगे तो माइनस दो लिखना पड़ेगा इसको, अब भाई जीरो बैठना चाहिए ना, यहाँ माइनस दो प्लस दो जीरो बैठ जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर माइनस दो आएगा, यहाँ से एक्स बराबर माइनस एक आएगा और यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस तीन आएगा। एक्स बराबर तीन सही है, माइनस तीन सही नहीं है इसमें, तीन रख के देखो आप, तीन का स्क्वायर नौ होता है, नौ और छः पंद्रह और पाँच पंद्रह। समीकरण में और व्यंजक में क्या डिफरेंस है, ये व्यंजक है, ये पॉलिनोमियल। जब किसी भी व्यंजक में बराबर चिन्ह लग जाता है ना, समीकरण बन जाती है। अब यही सवाल आपका द्विघात समीकरण का सवाल है। अगर मैं इसको ऐसे कहता कि भाई आप यही क्वेश्चन अगर ऐसे आता कि एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः बराबर जीरो, तो एक द्विघात समीकरण है, द्विघात क्या है, समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके मूल बताओ, क्या बताओ, मूल का मतलब मान, तो काम तो ऐसे करना पड़ेगा सेम अभी जो कर रहे थे आप, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस तीन एक्स प्लस छः बराबर जीरो, एक्स कॉमन लिया था एक्स माइनस दो आ गया, माइनस तीन कॉमन लिया एक्स माइनस दो आ गया, तो एक कोष्टक में एक्स माइनस दो आ गया था, एक में क्या आया था एक्स माइनस तीन आया था, लेकिन बराबर क्या चल रहा है। अब इसको जब जीरो बराबर रखेंगे हम तो एक्स बराबर दो आ जाएगा, और जब इसको जीरो बराबर रखेंगे हम तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तो ये दो मूल थे इसके, जो एक्स के मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके मूल, रूट्स कहलाते हैं। अब ये समीकरण है, अब ये गुणनखंड नहीं है,
तो गुणनखंड में और समीकरण में क्या डिफरेंस है कि समीकरण में बराबर चिन्ह आएगा या बराबर में आपके जीरो आ सकती है, कोई संख्या आ सकती है, लेकिन ये व्यंजक है केवल आपका, गुणनखंड पूछ रहा है इसमें आपसे, तो फिर आंसर ऐसे मिलेंगे आपको गुणनखंड में ही, यही डिफरेंस है बस। अब आपके युगपत समीकरण, रेखीय समीकरण ये आपके सिलेबस में हैं, तो रेखीय समीकरण तो सब जगह पढ़ते हैं हम, पूरी बैच जो पढ़ी है आपने उसमें अगर कोई आयु वाला सवाल आ रहा है तो उसको रेखीय समीकरण से करते हैं ना हम, तो जो हमारी अर्थमेटिक है उसके अंदर सब रेखीय समीकरण आती हैं, उनके क्वेश्चन भी आते हैं लैंग्वेज में। ठीक है ना, अब ये और किस प्रकार सवाल आ सकता है, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 व्यंजक एक्स प्लस 1 से पूर्ण विभाजित है, तो के का मान बताओ। एक इस टाइप सवाल आता है इसमें, अब पूर्ण विभाजित कब होता है, जब वो खंड होता है उसमें। अभी आपने जो समीकरण पढ़ी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 6 की, जो हमारे दो खंड आए थे, एक आया था एक्स माइनस 2, एक आया था एक्स माइनस 3, तो वो दोनों से डिवाइड था वो भाई। जैसे 72 है हमारे पास, 72 के खंड होते हैं, 8 और 9 होते हैं ना, तो क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, और 9 का भाग भी बिल्कुल जाएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों खंड हैं इसके, तो जो जिनके खंड होते हैं वो उनसे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक्स प्लस वन इसका खंड है एक, तो इसको भाग जाएगा इसमें, और जब भाग जाता है उसका तो उसमें अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू फिर जीरो बैठेगी, एक्स का मान निकालेंगे और उस सवाल में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बैठेगी, जीरो, संतुष्ट है ना वो। तो यहाँ से आप एक्स प्लस वन बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा बताओ, माइनस से आएगा, बस इस सवाल में रख दो इसको आप और जीरो कर दो बराबर। तो अगर ये खंड है इसका तो एक्स बराबर माइनस से एक संतुष्ट करेगा इसको, और बराबर क्या बैठेगा, जीरो बैठेगा ये, तो आप रखो इसमें माइनस एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस 5 बराबर क्या, जीरो लिखना पड़ेगा आपको। इस टाइप का सवाल हमको ज़्यादातर आता है, अब इसमें आप माइनस वन का क्यू क्या होता है, माइनस वन होता है, ये एक हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, दो माइनस दो हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये माइनस 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 3 बार गुणा हुआ तो माइनस ही आएगा, जब माइनस की पावर विषम होती है ना तो आंसर माइनस में आता है, और माइनस पावर सम होती तो प्लस में आता है। ये माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो गया ये, फिर दो एकम दो रह गया यहाँ पर, ये चिन्ह बदला ही नहीं, फिर ये माइनस का के तो माइनस के हो गया, ये प्लस 5 है ही, तो आप देखो 3 तो माइनस के हैं और 5 किसके हैं, प्लस के हैं, कितने बचे, प्लस के दो बचे, तो यानी माइनस के प्लस 2 बराबर क्या बचा, जीरो बचा।
माइनस के उधर ले जाओ पक्षांतरण करके, तो दो बराबर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आंसर आ गया। ये था सवाल। सही है। और लिखो एक्स फाइव माइनस फोर एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ग्यारह, ये कोई व्यंजक है, इसमें आप यहाँ पी एक्स स्क्वायर कर दो, पी एक्स स्क्वायर कर देना यहाँ पर, पी एक्स स्क्वायर। एक्स फाइव माइनस फोर एक्स फोर प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस इलेवन को एक्स माइनस दो से भाग देने पर पूर्ण विभाजित होता है, तो फिर यहाँ से आप एक्स माइनस दो बराबर जब जीरो करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, दो आ जाएगा। दो को सवाल में पुट कर दें, दो की पावर पाँच, दो की पावर चार, दो का स्क्वायर इलेवन बराबर क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, दो पावर पाँच बताओ क्या होता है, बत्तीस होता है क्या, चौंसठ हो जाएगा, 1664 फोर पी माइनस फोर प्लस इलेवन बराबर जीरो आ गया। राइट। बोलो देखिए, 64 और 4 68 तो प्लस माइनस के हैं, 32 और 11 43 प्लस के हैं, या ऐसे कर लो 32 बचे हैं माइनस के, 32 माइनस के 4, 36 माइनस के प्लस के 11 माइनस 25, या ऐसे कर लो 2 और 1 3 प्लस के हैं, माइनस 4 और 4 8 किसके हैं, माइनस के हैं, माइनस के 8 प्लस 3 माइनस 5 बचे, माइनस 5 लिख नहीं सकते हम, 10 में से घटा लो 5 बचे, यहाँ फिर क्या रह गया, एक कम हो गया, 2 2 में 6 घटाओ, मौसम खराब, यही ठीक है बस। 25 बराबर 25 माइनस के 25 बच रहे हैं ना, तो पी बराबर क्या आ गया, अच्छा 4 पी है ये,
तो 4p बराबर क्या गया, 25 आ गया। 25 बटे 4 करो, 6 से 1 बटे 4 कह सकते हैं क्या? तो इस तरह का सवाल तो कर सकते हैं आराम से हम। अभी ये क्वेश्चन आया था कि एक्स की पावर 16+1, एक्स प्लस वन से भाग देने पर को शेषफल बताओ। इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। जब पूरा पूरा डिवाइड होता है तो शेषफल क्या आता है? जीरो आता है। तो वही काम करना है, वैल्यू पुट करनी है, शेषफल आ जाएगा अपने आप। एक्स प्लस वन बराबर जीरो किया हमने, तो एक्स बराबर क्या आया? -1 आया। जिससे भाग देते हैं उसको बस जीरो बराबर करके एक्स वन निकालना है, सवाल में रखना है बस। अगर कोई चीज़ निकालने वाली नहीं तो फिर शेषफल पूछेगा आपसे। यहाँ मैंने पी दे रखा था, मैंने पी का मान पूछा, तो मैंने बोला है पूरा पूरा डिवाइड है, इसलिए बराबर शेषफल क्या लिखा हमने? जीरो लिखा है इसे। तो यहाँ पर आप बताओ, -1 की पावर, एक्स पावर 16+1 है ना, तो इसको -1 की पावर 16 कर सकता हूँ मैं। अब -1 पावर 16 है, ये कहेगा -1 कहेगा, -1 की पावर 16 है ये, तो प्लस के गया एक ये और एक ये, उत्तर कितना गया? तो 2 शेष है इसका आंसर। काम वही करना है यहाँ कर रहे हैं, अब शेष पूछ रहा है बस। तो जो भी सॉल्यूशन हो गया वो शेष फल ये सीधा। ठीक है ना? ऐसे कर दो इसको, एक्स स्क्वायर -2x -35 है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। आप तो वैल्यू पर देख लो ना, यहाँ से एक्स वन 2 आएगा, 2 रखो यहाँ पर, 4, 2 दूनी 4, 35 माइनस के हैं, इसका मतलब नहीं बैठ रहा है शायद। अच्छा एक मिनट, एक -7 और ले लेता हूँ इसमें, 35 रहने दो, -7 ले लो, 2 से तो नहीं बैठ रहा है, -2 लेंगे तो भी नहीं बैठेगा ये, 7 लेंगे यहाँ पर, तो देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है, 7 दूनी मतलब -7 आएगा यहाँ से, तो जब -7 रखेंगे तो +14 बन जाएगा, ये -7 35 है, इसका मतलब ये फेल ये फेल ये फेल, इससे आना चाहिए फिर। अब इससे 7 आएगा यहाँ पर, तो ये 49 हो गया, और फिर -14 हो गया, 35 49, 49 तो आंसर क्या गया इसमें? तो यहाँ से एक्स का मान 7 है, यहाँ से एक्स का मान -7 है, यहाँ से एक्स का मान -2 है,
यहाँ से एक्स मान दो है, बराबर जीरो करके निकालते हैं एक्स मान, तो एक्स बराबर क्या है 7, तो इसका ये खंड है इसका 7 5, 7 तो माइनस का प्लस का 5, तो सबसे बड़ी तरीका आए कोई खंड मत करो, ऑप्शन मिलते हैं तुम्हें। सही है ना? ऐसे आ गया तो अब इसमें तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे हम, इसे भी कर सकते हैं वैल्यू पुट तो हम। अब इसके खंड करना चाहें हम तो यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, तो सीधे सीधे आधा पुट कर दो इसको, एक ही तो आ रहा है, तो मैं इसको ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 ऐसे कर सकता हूँ। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, ए एक्स, तो ए एक्स माइनस 1 बचा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ए एक्स माइनस 1 बचा, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक तो आ गया ए एक्स माइनस 1 और दूसरा क्या आ गया ए एक्स माइनस 1, इसका मतलब ए एक्स माइनस 1 का क्या कह सकते हैं इसको हम, स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये हमको ऑप्शन में मिलेगा, आंसर है सीधा ये। तो यहां से ए एक्स का मान 1 आ गया ना, तो खंड करना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि जितनी देर में आप चार ऑप्शन चेक करेंगे तो वैसे ही कर देंगे इसको। खंड बताओ इसकी, भाई 9 चौक 36, 6 6 6 6 36, सीधा स्क्वायर ही बैठ रहे हैं अभी, तीन एक्स कॉमन, 2 वाई, 2 वाई कॉमन, तो ये कोष्टक 3x+2y आ गया, दूसरा भी 3x+2y आ गया, तो 3x+2y का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, आंसर। गुणनखंड का मतलब होता है कि वो खंड उसके अंदर मौजूद है तो उस खंड से वो डिवाइड है, इसका मतलब ये इससे डिवाइड है इस खंड से, और जब डिवाइड होता है तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो सही है क्या?
चलिए और लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला आपसे 16x4 माइनस 625y4 के खंड बताओ, अब आप देख रहे हैं यार 4 आ गया है इसमें, तो सम पावर है ना, तो टूटेगी ये, आज़ादी हो जाएगी, लेकिन अब इसके साथ तो 4 है, इस साथ 4 नहीं है, तो ये हम जानते हैं कि 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है ना, 16 जो होता है वो 2 की घात क्या होता है, 4, और 625 5 की घात 4 होता है। इसका मतलब मैं इसको 2x की पावर 4 कर सकता हूँ ऐसे, और इसको 5y पावर क्या कर सकता हूँ मैं, 4 कर सकता हूँ, या नहीं कर सकते बताओ। अब वो सूत्र काम करेगा तुम्हारा a² - b² वाला, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, लेकिन पावर उसमें आधी हो जाती है, क्या हो जाती है आधी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x² + 5y² एक तो ये हो जाएगा, जोड़ दिया एक बार घटा दो, एक बार घटा दिया, सही है, अभी और गुंजाइश है शायद इस वाले में, गुंजाइश है एक बार जोड़ दे बार घटा दो, इसको तो खोल लो वाली, अब इसको खोल देता हूँ, 4x² - 25y² तो ये आ गया, और ये बताओ क्या आ जाएगा, 2x + 5y और 2x - 5y। अब यदि इसमें पूछ ली आपसे इसका एक खंड बताओ, तो कोई भी एक खंड इसमें आंसर में पहुंच सकता है आपका, अगर ये सवाल ऐसे होता भाई इसका एक खंड बताओ, ये ऑप्शन होते तुम्हारे पास, तो कैस करते बताओ फटाफट, ऑप्शन से कैस करते आप, यहां से इसको बराबर 0 करते हम, क्या करते बराबर 0, अब आप ध्यान से देखो, जब मैं 5x + 2y = 0 करूंगा तो 5x = क्या आएगा, -2y आएगा, तो अनुपात निकाल लो, x का मान -2 है तो y का मान 5 है, अनुपात सामने रहता है ना, x का मान कितना है -2, अब तुम यहाँ -2 रखोगे इसमें तो 16 × -2 का 4 16 ही आएगा, और y का मान 5 रखोगे यहाँ पर तो ये 625 तो पहले से, और 5 की पावर 4 और करोगे आप तो मौसम ख़राब है, मतलब सीधी बात यह है 0 नहीं आएगा, अंदर लग रहा है दूर से ही भाई, ये आपका और तगड़ा हो गया ना, ये तो गया काम से, इससे अंदर लगाते हैं, अगर ये हम 2x - 5y = 0 करेंगे हम, तो 2x = कितना आएगा, अब इसमें x = 5 आ गया, अब यहाँ पर जब x = 5 रखूँगा तो 5 की पावर 4 है, ये कितना हो गया बताओ 625, और ये कितना है 16 है, अब x = 2 है, जब यहाँ 2 रखेंगे हम तो -625 × 2 की पावर 4 कितना होता है, देखो दोनों सेम है, गुणा भी करने जरूरत नहीं पड़ रही है, वो आंसर, तो इसका भी इलाज है मतलब, तो यहां से 2 मान आएंगे तुम्हारे पास, मान रहता है सामने, x के सामने कौन है देखो 5 है, तो 5 ही रखना पड़ेगा आपको इसमें,
बाई के सामने कौन है, दो है, तो दो रखना पड़ेगा इसमें। अब ऐसे आपको किताबों में नहीं मिलेगा सिस्टम, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। कैसे चेक करते हैं हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर इस टाइप के सवालों को, तो जीरो आ गया ना ये। सही है क्या? और एक आपके इसमें उस टाइप के सवाल भी हमको मिल सकते हैं जो मैंने डेसिमल में पहले बता रखे हैं वैसे आपको, कि यदि एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर क्या है, 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान बताओ, एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब का मान बताओ, एक्स फोर प्लस एक बटे एक्स फोर का मान बताओ, यदि तो उसके लिए आपका क्यूब वाला सूत्र भी आना चाहिए। तो मैं इसका डायरेक्ट इलाज बता देता हूँ तुम्हारे लिए। जब एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर जब पी होता है ना, पी का मतलब कोई मान दे रखा होगा उसने, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का उत्तर होता है पी स्क्वायर माइनस दो, एक्स क्यू प्लस एक बटे एक्स क्यू का मान होता है पी क्यू माइनस 3 पी, फोर का मान होता है इसका स्क्वायर माइनस दो, इसका 4 हो गया ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस दो करना पड़ेगा, माइनस भी आता है तो उसका भी बता दूंगा। ये प्लस में प्लस दे रखे हैं सब आपको। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस दो, उत्तर बताओ कितना आ गया, 23 आ गया, पी स्क्वायर माइनस दो। अगर मैं आपसे एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब मान चाहता हूँ तो पी क्यू माइनस 3 पी, तो 125 में से 15 घटाओ, 110 आ गया। और अगर मैं 4 चाहता हूँ आपसे, एक्स फोर प्लस एक बटे एक्स फोर, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस दो करेंगे, तो ये तो निकाल रखा है हमने पी स्क्वायर दो, तो तेईस का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है क्या, दो माइनस कर दो, ये जब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ते हैं हम तो ये सब बताते हैं आपको, हम विस्तार से बताते हैं।
अब ये तो प्लस की बात हो गई, माइनस भी हो सकता है ऐसा। अब माइनस जब आता है तो विषम पावर वाले माइनस भी मिलते हैं हमको ज़्यादातर, सम वाले तो हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, प्लस हो चाहे माइनस हो। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे भाई एक्स माइनस एक बटे एक्स सॉरी 3 आ गए यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर स्क्वायर पूछ लिया, फिर ये माइनस में पूछा यहाँ पर, और ये भी आपको यहाँ पर एक्स फाइव माइनस एक बटे एक्स फाइव भी पूछ लिया है। स्क्वायर वाले हमेशा प्लस में आएंगे, यहाँ मान चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, लेकिन विषम वाले 99% माइनस में जब आएंगे तो माइनस में पूछेगा वो। अब ये 5 वाला आपके लेक्चर ग्रेड में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में। ये ग्रुप हर जगह घूमता है आजकल, इसलिए मैं कई बार इसको रिवाइज करवाता हूँ, वहाँ भी खूब करते हैं इसको हम डेसिमल के साथ में। जब एलजिब्रा पढ़ते हैं ना डेसिमल के साथ एलजिब्रा पढ़ते हैं हम, बीजगणित, तो बीजगणित ही तो है गुणनखंड। अब यदि एक्स माइनस ए बटा एक्स बराबर पी हो, अब मैं सबका इलाज बताया था यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर ये होता है पी स्क्वायर प्लस 2, माइनस देगा तो प्लस 2 आएगा इसमें, और प्लस देगा तो माइनस आएगा, उल्टा आएगा। एक्स क्यू माइनस एक बटे एक्स क्यू पूछ रहा है ना, तो वहाँ पर पी क्यू माइनस 3 पी था, यहाँ पर पी क्यू प्लस 3 पी हो जाएगा, ये माइनस है ना। सूत्र वही है, केवल चिन्ह बदल रहा है, उल्टा रहा है इसमें। अगर मैं एक्स फोर निकालता हूँ तो देखो इसके स्क्वायर से निकलेगा ये, अब वो याद करने में दिक्कत हो जाएगी आपको। ये इसका स्क्वायर माइनस 2 है, इसका स्क्वायर माइनस 2 मतलब इसके स्क्वायर से आता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, लेकिन माइनस 2 करना पड़ेगा, जो माइनस 2 की कमी रहती है ना इधर। और यदि 5 पूछ लिया तो पी फाइव माइनस फाइव पी क्यू प्लस 5 पी, सारे प्लस आएंगे इसमें। माइनस वाले उसमें अल्टरनेट आते हैं, इसके अंदर माइनस प्लस, अभी रीचेक कर देंगे इसको हम। बाकी ये माइनस होगा, विषम वालों माइनस में माइनस ही आया, सम वालों में हमेशा प्लस ही आता है। इलाज करते हैं इसका। अब देखिए आप, अभी मैं सिद्ध करा दूंगा आपको सब चीज़ों को। यदि यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर चाहिए, अब मैं इसको प्रैक्टिकली करता हूँ, देखो इससे तो कर ही देंगे हम, इससे ये निकालना है तुम्हें, स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, तो दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दो, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ देखो, तो
इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसी तो आएगा ये भाई, बी की जगह पर माइन एक बट एक्स आ गया ना इसमें, तो एक्स एक्स तो कट जाएगा ये, तो माइनस दो उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है बताओ, नाइन प्लस टू का मतलब कितना आया, ग्यारह ही तो आया। और यहाँ से डायरेक्ट क्या आता, तीन का स्क्वायर प्लस दो क्या आता, ग्यारह यार, ये मुझे मानी था, तीन का स्क्वायर प्लस दो ग्यारह, ये विस्तार से हो गया, विस्तार से कर लो एक सवाल। सही है क्या? एनी डाउट? अब देखो स्क्वायर से फोर निकालना आसान है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर बन जाएगा, इसका दोबारा स्क्वायर करो, पुनः स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ग्यारह का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दी दोनों पक्षों का। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर मतलब एक्स फोर, बी को मतलब वन अपॉन एक्स फोर प्लस टू ए बी, तो ये टू ए बी मतलब ऐसे आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक सौ इक्कीस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो एक्स फोर प्लस एक बटे एक्स फोर बराबर एक सौ उन्नीस आ गया। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस, दो उधर गया तो एक सौ उन्नीस रहेगा ना, इसका मतलब ये सूत्र था इसका, रखो एक सौ उन्नीस आ रहा गया, चेक कर लो इससे भी। सही है या नहीं है? सही, इसमें रख के देखो, यहाँ तीन था ना, तीन का स्क्वायर नौ और दो ग्यारह का स्क्वायर, दो घटाओ अंतर, तो इसको याद करने में फायदा है, मतलब जब बड़ी शक्ल दिखाई जाएगी तभी इसमें आनंद आएगा। अब मुझे क्यूब चाहिए, तो क्यूब से पहले आपको ए प्लस बी का क्यूब आना चाहिए। ए प्लस बी क्यूब क्या होता है बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, और ब्रैकेट में क्या आता है, ए प्लस बी। ये ए प्लस बी का क्यू का सूत्र है,
और अगर ए माइनस बी का क्यूब करते हैं तो सब माइनस बन जाते हैं, ए माइनस बी। अब क्या हुआ है इसमें, केवल यहां तो आ रहा है एक्स और यहां रहा है एक बटे एक्स, आ रहा नहीं आ रहा है बताओ। बस ये बेस क्लियर होना चाहिए आपको इस सूत्र वाला। अब मैंने आपको दे रखा है सवाल कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस दिया था क्या, तीन दिया था ना। अब मुझे q चाहिए तो दोनों पक्षों q करूंगा मैं, क्यूब करने पर इसका मतलब आप x माइनस एक बटे एक्स का क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब करेंगे आप। अभी माइनस वाला सूत्र काम कर रहा है इसमें। अब a की जगह कौन है यहां पर, x है और b की जगह एक बटे एक्स है, तो a क्यूब है इसका मतलब x क्यूब माइनस बी की मतलब एक बटे एक्स क्यूब, तीन ए बी का मतलब तीन एक्स एक बटे एक्स, भाई ए की जगह एक्स है यहाँ पर, बी की जगह वन अपन एक्स है यहाँ पर, और कोष्टक में क्या आएगा ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर क्या आएगा, 27। सही है ना। ये तो कट जाएगा यहां से, एक एक्स ऊपर एक नीचे तो कट जाएगा, गुणा भी बैठे हैं। बताओ इसकी वैल्यू क्या है कोष्टक की, तीन, इसकी वैल्यू तो है तीन, तो तीन तिया नौ बन गए। नौ को उधर ले जाओ, आंसर बताओ 36। तो यही तो था पी क्यू प्लस तीन पी, दो टप्पे की बात थी, पी क्यू तीन का क्यू, तीन तीन नौ, 27 9 36 आंसर। ऐसे तो रहे एनी डाउट, नो डाउट, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब दिक्कत केवल पांच की है, अब पांच पावर करना जानते नहीं हम, स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर फोर जान गए, क्यू जान गए, पांच पावर कैसे बने भाई। एक तो क्यू वाला ले लो, एक स्क्वायर वाला निकाल चुके हैं हम, पांच बन जाएगी पावर या नहीं बनेगी बताओ। दोनों गुणा करना पड़ेगा फिर, पांच भी खोल सकते हैं खोलने को तो हम, लेकिन वो आप दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा हमको एक अलग से। हम पावर तो 100 भी खोल सकते हैं हम, लेकिन वो स्पेशल मैथ में चली जाएगी चीज़ पर, वो मैं चाहता नहीं हूँ कि जो मौसम बना हुआ है बढ़िया ठीक ठाक वो बना रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो एक सिंपल वे से रटा देते हैं, भाई यार रट लो इसको ऐसे होता है, वो ज़्यादा बेहतर है।
अब मैं कह रहा था आपसे भी फाइव कैसे निकालें हम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया था बताओ, अभी आया था ना आपका, यहाँ से देख लो ना, तीन का स्क्वायर प्लस दो था, 11 था, 11 आया था, और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब अभी निकाला है तुमने कितना 36। अगर इन दोनों की भिड़ंत कर दें तो 5 पावर बनेगी ना, इसका गुणा कर रहा हूँ आपस में, अपने में यही एक साथ ही गुणा कर रहा हूँ मैं, अलग से नहीं लिख रहा मैं, इसका इससे गुणा करूँ, चलो लिख देता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक बटे एक्स क्यूब बराबर 11 × 36 आएगा, ये ऐसे आएगा। अब मुझे बताओ इसका इससे गुणा करूंगा तो एक्स 5 आएगा ना, 2 पावर इसमें 3 पावर इसमें, और जब इसका इससे करूंगा तो 1/x आएगा, जो एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स क्यूब नीचे है, 2 पावर खत्म। एक्स स्क्वायर को आप एक्स क्यूब से गुणा कर रहे हो तो इसमें 2 घात हैं, इसमें 3 घात हैं, तो 2 घात खत्म, 1 घात तो बचेगी ना, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स है ये, और ये एक्स एक्स और एक्स है ये, तो 2 कट रहे हैं तो 1 तो बच रहा है, तो 1/x रह गया, इसका इससे किया तो या इसका इससे दिया माइनस आया, अब इससे इससे करो, इसका इससे करो, अब ऊपर एक्स बचेगा भाई, एक्स क्यूब इंटू ए तो एक्स बच गया, इसका इससे करो तो 1 एकम 1 और एक्स 5 आ जाएगा, 11 × 6 11 × 66 396 आ गया। ध्यान से देखो आप, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बन गया ना, यानी एक्स 5 माइनस 1/x 5 प्लस एक्स माइनस 1/x बराबर 396 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, और इसकी वैल्यू तुम जानते हो कितनी है, 3 है ना, 3 एक्स माइनस 1/x 3 ही था, तो यहाँ 3 को उधर ले जाओ, तो 1/x 5 बराबर प्लस 3 बराबर कितना है, 396 है, सही है क्या? अब उसको उधर ले जाओ, 3 घटाओ इसमें से, तो x5 1/x5 बराबर 393 आ रहा है क्या, घटा दो इसको इसमें से, अब जो 3 पावर 5 होता है 243, 27 × 5 = 35 और 5 × 3 = 15 जोड़ना है इसको, 3 5 × 5 = 10 13 8 9 3 आंसर ठीक ही, तभी तो ये करना है, ये तो मैं इसलिए नहीं कंफ्यूज नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप होता कैसे है, करना थोड़ी ऐसे आपको एग्जाम में थोड़ी करना है, ऐसे नहीं बताए ऐसे। 4 वाला देखो, 4 वाले में दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से आप स्क्वायर वाले जानते हो, वही मैं कह रहा हूँ स्क्वायर वाला जानते हो ना आप, तो इसका स्क्वायर करके 2 काम करना है बस, इसका स्क्वायर ही दो रहा है, देखो आप इस पैकेट का स्क्वायर ही दो रहा है और माइनस 2 करना है बस, हो गया 4 हमेशा, यहाँ स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास उसका स्क्वायर करके 2 कम करना है बस आपको, चाहे यहाँ प्लस का दे रखा हो चाहे माइनस दे रखा हो, प्लस हो गए ना थे, यहाँ प्लस था तो भी ऐसे कर रहे थे हम, उसमें प्लस वाले में क्या होता है माइनस 2 आया था तो उसी का स्क्वायर किया था मैंने यहाँ पर, फिर माइनस 2 किया था, ज़्यादातर तो आपको यहाँ तक ही आते हैं बस, ये कभी कभी आता है लेकिन, तो इलाज हो गया ना इसका, ठीक है ना, तो
तो इसलिए मैंने बताया था कि आता कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको याद करो, याद नहीं करना है ऐसे में, वो तो अभी क्या है कि जब डायरेक्ट हम सीखते हैं ना इन चीज़ों को, तो वो दिखाना नहीं चाहिए वैसे मेरे को आपको, उससे क्या थोड़ा भय हो जाता है। तो अब ये क्या है कि हम वहाँ दिखाएंगे जब डेसिमल पढ़ेंगे आप लोग वहाँ, तो विस्तार से सबको किया जाएगा, रट करेंगे ऐसे ही हम, लेकिन विस्तार से वहाँ कई दिन चलता है। जब एलजेब्रा पढ़ते हैं हम तो 3-4 दिन चलता है, 5-6 घंटे क्या 8 घंटे चलता है ये मानो आप, तो 8 घंटे में तो उसका कस्यूमर निकल जाता है। फिर जब 200 बार चीज़ देखते हैं हम तो याद होता है ना, फिर देन वो प्रैक्टिकल चीज़ तो आनी चाहिए आपको, होता कैसे है, करना ऐसे है, होता ऐसे है, तो होता ऐसे और करना ऐसे है, तो खाली करना ऐसे करेंगे तो हाँ। तो ये देखो एक तरीका है बस कि आपको अब मन कर रहा है ना मैं इसी को याद करूँगा, अब मन कर रहा है, पहले मन नहीं कर रहा था, बोले यार ये क्या बोला ये इतने लंबे कैसे याद हो गए, अब जबरदस्ती मन कर रहा है, बोले नहीं मैं इस तरह नहीं जाऊँगा। तो ये एक टेक्निक है बस इसको याद कराने की, भाई जैसे मान लो डॉक्टर कोई अगर मेडिसिन की चेकिंग करता है तो वो चूहों पे करते हैं, मेंढकों पे करते हैं। अब मेरा तो पूरा रिसर्च आप ऊपर ही है ना, लाखों बच्चे पढ़ा दिए, तो उसमें मैं किस किस माइंड का बच्चा क्या सोच सकता है और मुझे कैसे बताना है, इसके दिमाग में कैसे घुसाना है इसको, इसका पूरा रिसर्च है मेरे पास में। तभी कहते बच्चे भाई साहब, अभी कल हमारा वो 14 साल पुराना बच्चा रहा था, बोले साहब किसी की बात समझ में आती नहीं है, वो ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है दिमाग, वो आपकी बात समझ में आती है बस, एक बार पढ़ लिया ना बच्चे यहाँ पर, ये बिल्कुल हकीकत है। एक बार जहाँ बच्चा पढ़ लेता है तो किसी भी क्लास में पढ़ो, आप कहीं पढ़ो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप, बेस नहीं पढ़ सकते आप, बेस तो यहीं पढ़ता है बच्चा। एक बार जब बेस हो जाता है फिर तो प्रैक्टिस कहीं से करो आप, ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। तो ये हम नहीं बताते, बच्चे बताते हैं, हमें पता नहीं, हम तो पढ़ाते हैं बस भाई, प्रैक्टिकल तो आप बताते हो। अब आपकी औकात मैं बता सकता हूँ और मेरी औकात आप बता सकते हो, तभी तो कहते हैं अनुपात सामने रहता है, वैल्यू सामने रहती है ना भाई, 2a = 3b। हम कह रहे हैं भैया ए अनुपात भी बताओ क्या आएगा, क्यों आएगा, कि वैल्यू सामने रहती है, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, खुद की वैल्यू खुद थोड़ी बता सकता है। तो बिल्कुल हर चीज़ मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है पूरा। चलिए एक पार्ट और है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, कैसे, जैसे मान लो हमारे पास में मैंने केवल 3x + 2 = 5 बोला या 7 बोला, तो x का मान बताओ, बताओ क्या हुआ, चलो -2 कर देता हूँ अब, तो बता दो 3, ये तो मुझे नहीं बता दिया ना, 2 उधर गया, 7 + 2 = 3x = 9 और x बराबर कितना गया 3 आ गया, 3 से कट ही रहा है, ये कहलाती है रेखीय समीकरण है, एक वेरिएबल वाली, केवल एक ही चर है इसमें। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लिए जैसे x + y दे रखा है आपको 17, x - y दे रखा है आपको 8 या 9 कर देते हैं, तो x तथा वाई के मान बताओ, इनको बोलते हैं हम युग्मक समीकरण, दो चरों वाली रेखीय समीकरण। अब यदि इसमें वैल्यू पूछ ली आपसे किसी की तो निकाल सकते हैं वैल्यू, ऑप्शन में होगी ना, हम निकालेंगे नहीं, ऑप्शन से रख देंगे यहाँ पर, दोनों को जोड़ क्या बैठना चाहिए 17, दोनों डिफरेंस क्या बैठना चाहिए 9, आंसर आ जाएगा। अगर दोनों वैल्यू पूछ रहा है तो ऑप्शन से कर लेंगे सीधा हम, लेकिन अगर सॉल्व करना हो तो वाई से वाई कट जाएगा, 2x = कितना आएगा 26 आएगा और x = कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और जब 1 13 आ गया है तो दूसरा कितना बचा, 4 ही बचा बस, तो दोनों का योग 17 ही तो है, 13 यहाँ रखोगे आप, 13 उधर जाएगा, 17 में से घटेगा, तो वाई बराबर कितना जाएगा 17 - 13 का मतलब 4, तो ये दोनों मान आ गए हमारे पास में।
ठीक है ना। तो इन समीकरणों तो पूरी मैथ में पढ़ते आ रहे हैं ना, तो इसलिए आपके जो जनरल क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिलेबस में कहीं देखा रहता है ना, रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण, तो वो आपकी पूरी मैथ उसमें घुस जाती है छोटी छोटी क्वेश्चनों वाली। अब जैसे मान लो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन एक समीकरण है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू दूसरी समीकरण है, ये दो समीकरण है तुम्हारे पास। अब इन दोनों समीकरण में ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू ये क्या है, मल्टीपल है इनके, गुणांक है, ये अचर पद है, ये एक्स का मल्टीपल है, वाई का मल्टीपल है तो सी टाइप की ना, बस फर्क ये पड़ रहा है संख्या दे दी साथ में मैंने आपको, ये भी युगपत समीकरण है। पर तो अब इनमें कुछ प्रॉपर्टी हैं जो प्रॉपर्टी आपको सवाल बन के आती है एग्जामों के अंदर, ये दो रेखीय समीकरण हैं। कैसी हैं? रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब गुणनखंड और समीकरण का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, जब ए वन बटे ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू हो, तो समीकरण के मान अद्वितीय होंगे, अद्वितीय। तथा दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। मतलब क्या है इसका? मतलब बड़ा आसान है, अभी आपको अटपटा लग रहा होगा ये क्या लिख दिया, अद्वितीय भेद्वितीय। लेकिन जैसे मान लो मैंने आपसे बोला 2x प्लस 3y बराबर 17 और x या 4x माइनस या ये कह सकता हूँ मैं 2x या x माइनस y बराबर 21 या 25 कर दिया मैंने, x प्लस y माइनस कर देता हूँ 7, 3 कर देते हैं, कुछ नहीं ये कर दिया मैंने। ये बताओ इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और आसान करता हूँ, चलो ये लो एस कर दिया, क्या इसका समीकरण का हल निकल सकता है भाई? इस समीकरण को हल करके एक्स वाई मान निकाल सकते हैं कि वाई से ये कट जाएंगे तो 3x बराबर 21 आएगा, एक्स बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं भाई एक्स बराबर क्या आ रहा है इसमें, 7, और जब इसका मान 7 आएगा तो वाई का मान क्या आएगा फिर? 7 × 2 = 14 उधर जाएगा, 17 में 14 घटेगा, 3 बचेगा, तो 3 3 y का मान होगा, तो y का मान कितना आएगा बताओ? 1 आएगा। अब इसमें रख के देखो दोनों को, यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 4 आ गए ना, तो जो x y के मान आते हैं ना, अब इस एक लाइन से ग्राफ बना सकते हैं ना हम, कलम
जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे आप, उसके अंदर मैंने एक लाइन ऐसी बनाई थी ना, ग्राफ बना दिया था हमने एक समीकरण से दोनों अक्षों पर बिंदु लेकर के, तो इससे एक ग्राफ बन सकता है, एक ग्राफ इससे बन सकता है, दोनों से ग्राफ बन सकता है ना। तो वो जब मान निकल जाते हैं ना समीकरण के, यही मानेंगे कि क्या और कोई माना सकते हैं इसके, यही आएंगे केवल और केवल यही आएंगे, इसी कहते हैं हम क्या अद्वितीय है, केवल और केवल एक। मतलब यूँ कहोगे जो समीकरण आपस में हल हो जाती है ना, उनके मान क्या होते हैं अद्वितीय होते हैं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं प्रच्छेद करती हैं, यानी एक ग्राफ ऐसे आ रहा है तो दूसरा हो सकता है ऐसे आ जाए, तो यहाँ प्रच्छेद कर दी नहीं, और ये प्रच्छेद बिंदु कौन सा है, 7 और 1 ही है भाई, ये समी इसको भी एक संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बिंदु दोनों पर है। तो इसलिए कहते हैं हम कि जब हमारी दोनों समीकरणों में मान निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता कब है, जब ये कंडीशन संतुष्ट होती है। आप चेक करो ना इसमें, ये संतुष्ट हो रही है इसमें, A1 कितना है इसमें, देखो आप A1 इसमें 2 है, B1 बताओ 3 है, A2 बताओ 1 है, और B2 बताओ कितना है, -3 है। A1 2, B1 3, A2 1 और B2 -3। अब इनको बटे में रख के देखो आप, A1 बटे A2 तो 2/1 आ गया, और ये 3/3 क्या आ गया, -3 आ गया, तो दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है, इसीलिए समीकरण मान निकल रहे हैं। अगर ये बराबर हो जाते तो समीकरण मान निकलते ही नहीं, तो ये कंडीशन कैसे आती है सवाल बन के, कि आपको ये दोनों इक्वेशन आएंगी है सवाल में, यहाँ पर उस के बोल देगा, के 3 नहीं लिखा उसने, के लिख दिया उसने, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 2 के बराबर 3 हो जाएगा, -2 के बराबर 3, तो के बराबर क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल आएगा उसमें, बराबर नहीं है। तो ऐसा सवाल बोलेगा वो कि 2x+3y=17, x-3y बराबर ये आपका x-ky=4, दो रेखीय समीकरण जिनके मान अद्वितीय हैं, ये लिखा मिलेगा उसमें, जिनके मान कैसे अद्वितीय है, के का मान बताओ, तो के का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो के इज नॉट इक्वल टू आएगा उसमें, के का मान क्या नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन उतारो फटाफट विद एग्जांपल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह कि जिन दो समीकरणों को तुम हल कर सकते हो, मान निकल सकते हैं, उनके मान क्या होते हैं, यूनिक, अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, एक और केवल एक, और वे समीकरण आपस में प्रच्छेद करेंगी, प्रच्छेद का मतलब उनका सोल्यूशन आ गया ना, जो प्रच्छेद बिंदु कौन सा होता है, जो xy के मान होते हैं, कि वो मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, यानी ये बिंदु इस रेखा पर भी है, इस रेखा पर भी है, तो वो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ऐसे दे करके आपसे पूछ सकता है प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो सॉल्व करना पड़ेगा उसको, ये प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक हैं 7 और 1, इसलिए मैंने पहला वो कोऑर्डिनेट पढ़ाया, कोऑर्डिनेट के अंदर ही आती हैं सब चीज़ें, वो कोऑर्डिनेट पढ़ लिया हमने, तो क्या होता है निर्देशांक, एक्स का मान होता है भुज, वाई का मान क्या होता है कोटि, पहला जो हमारे पास में क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों प्लस, सेकंड वाले में माइनस प्लस, थर्ड वाले में माइनस माइनस, फोर्थ वाले में प्लस माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि जिन दो समीकरणों को हल करने पर मान निकल जाते हैं वो मान क्या कहलाते हैं सॉरी यूनिक कहलाते हैं, और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रच्छेद करती हैं। अब ये जरूरी नहीं ऐसे बोले वो, के बोले के नहीं बोले वो इसी इन्हीं को ये समीकरण 2 दे दिए उसने, पूछ सकता है कैसे हल हैं इसके, तो भाई अनंत हल हैं, यह हल नहीं निकल सकता, या यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसे क्या कहते हैं,
अद्वितीय हल होंगे, इसको हल भी लिखो यहाँ पर, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है ये पहली कंडीशन हो गई तुम्हारी। दूसरी कंडीशन लिखो, जैसे मान लो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो 4 6 ऐसे ले सकते हैं, देखना संतुष्ट कर रहा है वो। जैसे ये 2/4 आ गया, ये 3/6 आ गया, बराबर 17/ क्या आ गया 4, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 17/4 आ गया ना, तो ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसके बटे करना है। ऐसा होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी समांतर, उसमें प्रच्छेद कर रही थी, यानी ये रेखाएं ऐसी आएंगी तुम्हारे पास, इस टाइप से ग्राफ बनेगा इनका। अब मैंने लिखा भाई कोई हल नहीं निकलेगा इनका, क्यों नहीं निकलेगा, सॉल्व करो देखो ना उसको, इन दोनों समीकरणों को हल करें हम तो, देखो 4 दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा ना भाई, बराबर तो करते नहीं, तभी तो करता है दूसरा, अगर बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ता है हमें। जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे प्रॉब्लम, तो ये 4 बन जाएगा 6 बन जाएगा, फिर तुम घटाएंगे तो दोनों ही घट जाएंगे, तो जब दोनों ही घटेंगे तो मान किसका निकालोगे आप, इसलिए नो सॉल्यूशन, क्योंकि दो समांतर पटरी है तो वो आपस में कभी मिलेंगी नहीं, तो मान निकलेगा ही नहीं। तो जब ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी कि A1/A2 बराबर B1/A2 लेकिन नॉट C1/C2, तो बोथ इक्वेशन देयर इज नो हैव सॉल्यूशन, लेकिन आप क्या कहेंगे दोनों लाइन पैरेलल होंगी, कैसे होंगी समांतर। तीसरा और है इसमें, वो भी डाल दो, ये बराबर आता है इसके अंदर, तीनों ही बराबर है। जैसे मान लो हमारे ऐसे आपकी इक्वेशन आ गई, अगर तीनों ही इक्वल आ जाएं बराबर आ जाएं, अनंत, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, तो एक्चुअल में एक ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर बनेगा, इसका डबल ही तो गया है,
तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, दोनों का एक ही जगह ग्राफ बनेगा इनका, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों समीकरण से कोई हल की जगह क्या होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल निकल सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल नहीं, पैरेलल तो उसमें थी, एक के ऊपर दूसरी है ना, ओवरलैप संपाति, ओवरलैप कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं इसको, मतलब एक दूसरे के ऊपर ग्राफ आ रहा है, पहला जो ग्राफ है वही दूसरी लाइन ग्राफ है, इसलिए तुम जितने तुम एक्स के मान रखोगे उतने वाई के मान आ जाएंगे इसमें। क्योंकि एक इक्वेशन से तुम अनंत हल निकाल सकते हैं इस तरीके से, अगर दोनों इक्वेशन एक ही जगह आ रही हैं तो जितने तुम एक्स के मान मानोगे उतने ही वाई के मान आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो ये तीन रूप है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा कह दे वो, जैसे मान लो यहाँ पर कह देता आपसे के और वो लाइन बोल दी इसने, यहाँ पर यहाँ कह दिया उसने के और कह दिया भाई इन दोनों समीकरणों से अनंत हल निकलते हैं, के का मान बताओ, तो क्या करते हैं पर बताओ, हम के कर लेते और कोई एक ले लेते, तीनों की जरूरत क्या है, अब तो इससे मान निकल जाएगा ना, आप जो नहीं इसको भी लो तो इससे लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, देखो आप 7 × 2 = 14 × 5 = 10, इससे वही आएगा 3 × 5 = 10, तो किसी एक इसको हल कर लो, तो 3 से 6 दो बार कट रहा है और के बराबर कितना गया 10 आ गया। यदि क्वेश्चन आ गया समीकरणों के अनंत हल हैं तो के का मान बताओ, तो एस सॉल्व करेंगे इसको, के का मान कितना आ गया 10 आ गया। समीकरणों के अद्वितीय हल है, अद्वितीय यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक के का मान बताओ, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कौन सा मान नहीं हो सकता बोला है ना, a1/a2 ≠ ये होता है इसमें, तो ये 3/1 आ गया, नॉट इक्वल 4/-k आ गया, तो ये हो जाएगा -3k ≠ 4, तो k ≠ -4/3 आंसर, 4/3 नहीं हो सकता, -4/3। तो एकदम सिंपल, ऐसा नहीं टफ हो, स्टार्टिंग में लग रहा था थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन तीन रूप हैं इसके बस, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन और एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक प्रच्छेद कर रही हैं, एक पैरेलल हैं और एक कम ओवरलैप का मतलब संपाती हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का।